ये वीडियो देखा आपने, इस वीडियो को देखकर आपको मध्य प्रदेश की दबंग डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा याद आई होगी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजगढ़ की तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा जनवरी 2020 में अचानक सोशल मीडिया पर छा गई थी। वजह थी सीएए के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेता को प्रिया वर्मा ने थप्पड़ जड़ दिया था। अब प्रिया वर्मा फिर से चर्चा में आ रही हैं और इस बार चर्चा है उनकी शादी को लेकर। मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा की अधिकारी प्रिया वर्मा ने शादी रचा ली है। शादी की खूबसूरत तस्वीरें प्रिया ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। प्रिया वर्मा अभी एमपी सरकार में एसडीएम के रूप में पदस्थ हैं। जनवरी 2020 में प्रिया वर्मा की चर्चा खूब हुई थी। उन्होंने सीएए के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेता को थप्पड़ जड़ दिया था। इस दौरान एक दूसरा वीडियो भी सामने आया था जिसमें प्रदर्शनकारियों ने प्रिया वर्मा के बाल भी खींचे थे। आइए आपको बताते हैं कि प्रिया वर्मा कौन है और इन्होंने शादी आखिर किससे की है। इंदौर के पास स्थित मांगलिया गांव की रहने वाली प्रिया वर्मा 21 साल की उम्र में डीएसपी बन गई थी। 3 कोशिशों में वो डिप्टी कलेक्टर बनी थी। सबसे पहले प्रिया वर्मा ने साल 2014 में एमपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की थी। उनकी पहली पोस्टिंग जेलर के रूप में हुई थी। 2015 में प्रिया डीएसपी बन गई। साल 2017 में प्रिया वर्मा ने दोबारा परीक्षा दी। प्रदेश में इस बार उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया और डिप्टी कलेक्टर बनी। थप्पड़ कांड के बाद सोशल मीडिया पर लोग प्रिया वर्मा को बर्खास्त करने की मांग भी कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि प्रिया वर्मा ने डीएसपी आशीष पटेल के साथ शादी की है। शादी की तस्वीरें प्रिया वर्मा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की है। शादी की जोड़े में दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। शादी की तस्वीरों पर कई लाइक्स आए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रिया वर्मा ने अपने पोस्ट में लिखा है कि इस पल का लंबे समय से इंतजार था। बता दें कि 2020 से पहले भी प्रिया वर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। वो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों को फेसबुक पर सलाह भी देती थी। 2020 के बाद से प्रिया वर्मा के फेसबुक पर फॉलोअर्स भी काफी बढ़े हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनपी तक के साथ।